हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल पर आप लोग का स्वागत है। मैं केले की रेसिपी लेकर आई हूँ। 5 केले लिए हैं। एक केले में हम आधा कट कर लिए हैं, 4 भाग कर लिए हैं। अब इसके लिए हम मसाले लिए हैं। बेसन लिए हैं छोटा सा कटोरा से, और लहसुन और सरसों लिए हैं, पीला और काला सरसों है, जीरा मरीच है। इसको पेस्ट बना लेंगे मसाले के लिए। बेसन में डालने के लिए ये मसाले लिए हैं, लहसुन है 1 ठो और जीरा मरीच है। इसको पेस्ट बना लेंगे। और इसमें इसमें अब हम डाल रहे हैं हल्दी और नमक डाल रहे हैं इतना स्वाद के अनुसार। अब तब तक हम पेस्ट बना लेते हैं ये मसाले को। अब इसमें लाल मिर्च डालेंगे, तब तक कढ़ाई चढ़ा देते हैं। इसमें तेल रख दिए हैं गरम होने के लिए। इसमें पानी डाल के हम घोल बनाएंगे। बेसन को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम सारे मसाले को। थोड़ा सा और लाल मिर्च और हल्दी लिए हैं, और पेस्ट जो बनाई थी जीरा मिर्च लहसुन का, इससे डालने से और टेस्टी मेरा लगता है। और तेल मेरा गरम हो गया है। गरम है या नहीं, अब सबको हम छान लेते हैं। सबको बारी बारी करके डाल लेंगे, एक एक करके अच्छी तरह से छान लेंगे ब्राउन करके। अब ब्राउन होने वाला है, अब हम पलट देते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, रेडी हो गया है मेरा। अब एक तरफ से और रेडी कर लें। अब सबको हम निकाल लेते हैं। देखिए सबको हम तैयार कर लिए हैं। देखिए इस तरह से हम सारे को हम बना लिए हैं। टोटल जितना था बन चुका। अब हम मसाले तैयार करेंगे। इसमें फ़ोरन डालेंगे, इसमें हम मेथी डालेंगे, फिर लाल मिर्च डाल लेते हैं, 2 तेज पात डाल लिए, और प्याज डाल लेते हैं बारीक काटे हैं फोरन के लिए। प्याज को 1 प्याज काटे हैं। इसको ब्राउन कर लेते हैं, तब मसाले डालेंगे। देखिए होने वाला है ब्राउन। अब हम मसाले जो पीसे थे पेस्ट बनाए हैं। यही लाल मिर्च, हल्दी और मिक्स मसाला है, जो सबको हम ऐड कर लेते हैं। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। मेरा प्याज ब्राउन हो गया है, हम मसाले को फ्राई करेंगे। हम इसको मिक्स करके हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे।
हल्का हल्का पानी डाल कर फ्राई करते रहेंगे। नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। मैं केले का सब्ज़ी बहुत खाए होंगे मगर ऐसा नहीं खाए होंगे, ऐसा आप भी बनाइए और खाइएगा, टेस्ट करके कमेंट में बताइएगा। देखिए ब्राउन होने वाला है, मसाला मेरा रेडी हो गया, देख सकते हैं आप इस तरह से ब्राउन हो गया मेरे मसाले। अब हम पानी डालेंगे, इसको हल्का हल्का पानी डाल डाल के फिर ग्रेवी बनाएंगे कि मसाले के जो गांठ है वो मिल जाए अच्छी तरह। अब जितना ग्रेवी रखना है उतना हम पानी डाल लेंगे। अब मेरा ग्रेवी में उबालना है, जब तक थोड़ा इंतज़ार करेंगे हम। अब आ गया है मेरा, अच्छी तरह मसाले पक गया है। अब इसमें हम डालेंगे जो हम बनाए थे केले के, देखिए इसको अब हम इसमें डालेंगे। इसको ज़्यादा देरी नहीं रखेंगे, इसमें सिर्फ 5 मिनट रखेंगे। ग्रेवी में हम चूल्हे आँच पर हम 5 मिनट रखेंगे, हम तुरंत बंद कर लेंगे। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।